नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा जब वो सत्ता में आना चाहते थे उस वक्त बड़े बड़े वादे किए गए थे, जो पंजाब की जनता है उन्हें लुभाने के लिए 300 यूनिट फ्रीज देने की बिजली जो है बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि पहली कलम से सरकार बनते ही 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब वादे के मुताबिक वादा पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन इस वादे को पूरा करने में भी चालाकी दिखा रहे हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में करती नजर आई। अब दिल्ली में धीरे धीरे उनके एजुकेशन सुपर एजुकेशन मॉडल की पोल खुल रही है, मोहल्ला क्लिनिक की पोल खुल रही है, तो अब पता चल रहा है कि कितना ज्यादा धांधली जो इन मामलों में किया गया है। अब पंजाब में तो साफ तौर पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कही, जिस तरीके से जो है बिजली देने में बंटवारा किया गया, उसमें भी साफ तौर पर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं एक वर्ग के साथ अन्याय तो दूसरे वर्ग के साथ खुशहाली बांटने की कोशिश की गई, और इस स्कीम से किसी का भला नहीं होने वाला है। अगर इस बार आम आदमी पार्टी फ्री बिजली की जो ऐलान है इस पर क्यों घिर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिसके वजह से एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो इस बिजली के वादे से टारगेट हुआ है, आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से आपको बता देते हैं। पहले तो ये कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री बिजली की जो शर्त है उसे पूरा करने के लिए तैयार हो गई, कहा 1 जुलाई से वो बिजली देगी, लेकिन इस शर्त पे ही आम आदमी पार्टी जो है अब घिरती नजर आ रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जनरल कैटेगरी को फ्री में 1 यूनिट ज़्यादा खर्च करने पर पूरा बिल चुकाना होगा, यानी भगवत मान की भाषा में अगर बात करें तो भगवत मान ने, जो कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि 2 महीने में 600 यूनिट अगर खर्च किया तो ठीक है, 601 यूनिट खर्च किया तो पूरे 601 यूनिट का जो बिल है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये है, फ्री नहीं है, क्योंकि एक सामान्य वर्ग का इंसान है, सारी चीज़ें हैं, अगर बिजली खपत हो ही जा रही है, कोई के किसी के यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, किसी के यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, आज के वक्त में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कितना ज़्यादा बिजली उठाती है, इस बात की जानकारी एक सामान्य इंसान को भी है, और ऐसे में 1 यूनिट भी ज़्यादा हो गया तो फिर आपको पूरा बिल देना पड़ेगा। यानी अगर बात करें तो सामान्य वर्ग की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग को अपना बिल खुद ही देना है। इससे जो स्कीम है इसमें इसी तरीके से दिमाग लगाया है कि सामान्य वर्ग के लिए तो भाई नहीं हो पाएगा, उन्हें अपना बिल खुद ही देना है, क्योंकि लिमिटेड महीने का 300 यूनिट का खर्च पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर एक घर में एक परिवार है, उसमें इतने सारे लोग हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो यूनिट के मामले में वो ऊपर जाएगा ही, एक्सीड करेगा ही। यानी साफ तौर पर एक तबके के लोगों को उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली के स्कीम से ही गायब कर दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सरकार ने जिस तरीके से ये बताया है कि एक यूनिट ज़्यादा खर्च होने पर पूरा बिजली का भुगतान करना होगा, जिसके बाद विरोधी हमलावर हो गए। भाजपा के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा ने सीएम भगवत मान से सवाल पूछा है कि जब यह गारंटी दी थी तो क्या बताया था कि जाति के आधार पर यह योजना का लाभ देंगे। शर्मा ने पूछा कि क्या सामान्य वर्ग में गरीब परिवार नहीं है, उनसे क्या सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय और धोखा कर दिया। बता दे कि उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करके लिखा है सुभाष शर्मा ने कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फ्री बिजली की गारंटी दी थी तो क्या बताया था कि जाति के आधार पर यह योजना का लाभ देंगे, क्या सामान्य परिवार में गरीब लोग नहीं रहते, आपकी यह योजना सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय और धोखा है। अब इसमें फ्री बिजली का ये पूरा फंडा क्या है, क्या शर्तें हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। सीएम भगवत मान ने कहा कि उनकी सरकार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। पंजाब के बिल 2 महीने बाद आता है, यानी एक बिलिंग साइकिल पर 600 यूनिट का मुफ्त बिजली मिलेगा। इसी में पेच है कि अगर SC BC फ्रीडम फाइटर और BPL फैमिली ने 2 महीने में 600 से ज़्यादा बिजली खर्च किए हो तो उन्हें सिर्फ उसी अतिरिक्त बिजली का बिल देना होगा। यानी अगर 610 खर्च किए हैं तो 600 माफ़ है, सिर्फ 10 का उनको जो है बिजली बिल देना पड़ेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी को लेकर विपक्षियों का आरोप है कि अगर 600 यूनिट से ज़्यादा, यानी अगर 1 यूनिट भी बिजली खर्च हुआ तो पूरा 601 यूनिट का बिल उन्हें देना पड़ेगा। आखिर यह भेदभाव क्यों, पहले ही आते ही सांप्रदायिक हिंसा, ये वाली बातें, उसके साथ अन्याय, इसके साथ अन्याय, ये सारी बातें कहते हैं, और आते ही एक वर्ग को दूसरे वर्ग से बांट दिया, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ही बांट दिया इन्होंने। अब आप सरकार की फ्री बिजली पर सोशल मीडिया पर खूब बहस हो रही है, कुछ लोग इसे जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पहली बार जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, ऐसे में इसका विरोध करने के
जगह बिजली बचत करनी चाहिए। साफ तौर पर आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि बिजली देने की बात तो कही गई है, लेकिन आज के वक्त में पंजाब में 7-7, 8-8 घंटे बिजली गायब रहती है, बिजली है ही नहीं। और ऐसे में लगातार जो अभी परेशानी है, क्योंकि बिजली की खपत सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में होती है, गर्मी में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, गर्मी होती है, उमस होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, चिलचिलाती धूप है, घर में आके 10-15-20-25 या फिर कहिए कि 3-4 घंटे का ही जो है आराम उन्हें चाहिए होता है, जिसके लिए फैन पंखा लाइट होने जरूरी होती है। लेकिन अब यहाँ पर भी सरकार ने दिमाग लगाया, वो बिजली दे भी रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई से दे रहे हैं, यानी 1 जुलाई से। जुलाई का महीना में क्या होता है, जुलाई के महीना में जो उमस है वो खत्म हो जाती है, वेदर में नमी आ जाती है, बारिश का महीना रहता है, मूसलाधार बारिश देखने के लिए मिलती है। और ऐसे में बारिश के महीने में ठंडक रहती है कई सारे घरों में, तो पतले पतले चद्दर लेकर भी लोग सोया करते हैं। तो ऐसे में जब बिजली फ्री देनी चाहिए, यानी अभी गर्मी में, तो ये बिजली फ्री नहीं दे रहे हैं। ये बिजली फ्री दे रहे हैं कब, 1 जुलाई से, बारिश और उसके बाद ठंड, और ऐसे में ज़्यादा बिजली की खपत होती नहीं है। तो इनका ये है कि इन्होंने दिमाग लगाया कि हम अपने वादे भी पूरे कर लेंगे, दिसंबर महीने में कई राज्यों में चुनाव भी है, हम कहेंगे हमने दिल्ली में भी ये कर दिया, हमने पंजाब में भी झंडे गाड़ दिए। ये यही सरकार है जो कहती है पंजाब में सरकार बनाने के 10 दिन बाद कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, जिसके दिल्ली की सरकार में सत्येंद्र जैन से लेकर कई सारे नेताओं पर जो है मामले दर्ज हो गए हैं, मामले की सुनवाई चल रही है, उनके तरफ से ये कहा जाता है कि 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार की नींव इतनी मजबूत है कि 10 दिन के 10 साल और 10 जन्म लग जाएंगे इसे खत्म करने में, अभी के जो हालात है। और ऐसे में उन्हें लगता है कि 10 दिन में इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है। ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कहा गया था कि भगवत मान ने जब से मुख्यमंत्री पद संभाला है तब से उन्होंने 10 दिन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, जो इंसान जो है दारू जैसे लत को नहीं छोड़ पा रहा भ्रष्टाचार खत्म कर चुका है, ऐसा उनका कहना था। बता दें कि सरकार ने यह भी कहा है कि हर घर को 600 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हालांकि पंजाब में कई ऐसे घर हैं जहां अलग अलग नाम के कनेक्शन लगे हुए हैं। इसको लेकर सवाल है कि क्या एक घर के सभी कनेक्शन पर 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसको लेकर अभी मान सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि मान सरकार खुद ही कन्फ्यूज है कि क्या देना है और क्या नहीं देना है। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले पर ये घिरती नजर आ रही है। बिजली के ऐलान पर बीजेपी जो है इन पर सवाल कर रही है। सिर्फ यही नहीं, तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जो है उन्होंने भी एक पूरी जो है न्यूज़पेपर की आर्टिकल साझा की, जिसमें बड़े शब्दों में लिखा था पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, समान वर्ग ने ज़्यादा खर्च किया तो देना होगा पूरा बिल। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि ये कितनी चालाकी जो है बिल देने में, कितना दिमाग जो है बिल देने में इन्होंने लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेट सर की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी कहा गया था कि पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है, दिल्ली जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, और इनकी जो स्थिति है वो श्रीलंका के होने की कगार पर, यानी दूसरा श्रीलंका होने की कगार पर है, और ये सब लोक लुभावन जो नीतियाँ हैं, लोक लुभावन जो वादे हैं उनके वजह से, फ्री यूनिट, फ्री जो है बिजली, फ्री ये फ्री वो, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं आता। आप 10 रुपए की कलम खरीद के, 10 रुपए की कलम अगर आप किसी को फ्री में देते हैं तो आप 10 रुपए नुकसान में हैं। ऐसे में करोड़ों की बिजली जो है जिसकी खपत होगी, करोड़ों की बिजली आप फ्री में दे रहे हैं तो वो राज्य जो है करोड़ों की जो कर्ज है उसके तले और दब जाएगा। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है पंजाब पे, और इसके बाद और इस कर्ज में डुबोने का जो है प्लान तैयार करके 5 साल के लिए आई है आम आदमी पार्टी की सरकार, जहाँ पर राज्य को आगे बढ़ाने, इसके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल गेन को हासिल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को हासिल करने के लिए, ताकि कल को हम बता पाए कि हमने यहाँ ये किया, हमने वहाँ ये किया, हमने ये फ्री दे दिया, हमने वो फ्री दे दिया, क्योंकि कुछ भी फ्री तो नहीं आता है, भले पानी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, हर चीज़ के दाम होती है, हर चीज़ की कीमत होती है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी प्रेशर पड़ रहा है, राज्य पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और दूसरा श्रीलंका बनने की कगार पर धकेलने के पीछे जो जिम्मेदार होगी इन राज्य सरकार होगी, जो कि इन राज्यों को चला रही है, राज्यों की स्थिति, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति से भली भांति वाकिफ है, एक तरह से पूरे भविष्य को जो है, आने वाले भविष्य को, राज्य के भविष्य को जो है अंधकार में डालने की पूरी पूरी जो है तैयारी इन्होंने कर ली है। तो साफ तौर पर जो है इस वक्त अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के जो सरकार है, जिनके ऊपर पंजाब की जिम्मेदारी है, ये जानते हुए कि आर्थिक स्थिति कितनी खराब है पंजाब की, उसके बावजूद 1000 फ्री में महिलाओं को देने की बात कही, जब वादे नहीं पूरे कर पाते तो केंद्र सरकार के सिर पर टिकड़ा फोड़ते हैं कि केंद्र सरकार ने ये नहीं दिया, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, और इतने बड़े बड़े लोक लुभावन वादे करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। तो अब साफ तौर पर पंजाब में
सरकार जो है 300 यूनिट फ्री बिजली देने के मामले में समान वर्ग के साथ जो अलगाव देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर उन्हें कह दिया है कि आपको तो भाई पूरा देना पड़ेगा, 600 से अगर आपने कम अगर किया है, 600 से अगर आपने 1% भी ज्यादा इस्तेमाल किया है, कि उन्होंने भी अगर ज्यादा इस्तेमाल किया तो पूरा बिल दीजिए, इसे लेकर अब बीजेपी इन पर निशाना साधती नजर आ रही है। कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर अभी तक भगवत मान का कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसके साथ आने वाले वक्त में इस खबर को लेकर भी जो अपडेट आएगी उसके साथ आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।